हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड की टुडे लेटेस्ट अपडेट की एंड बात करेंगे इसके क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स की। फर्स्ट, यदि आप प्राइस चेक करें तो 2.20 रुपये पे लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे बंद होने को दिखा है। उसके साथ अभी हम डायरेक्ट चलते हैं क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स के ऊपर। फर्स्ट, यहाँ पे यदि हम क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स में क्वार्टर थ्री की कंपेरिजन में मैंने आपको आगे भी बताया 6 गुना का लॉस हुआ है, 6 से ज़्यादा मल्टीपल का इन्हें लॉस देखने को मिला है। यदि आप इस समय सेल्स देखें तो क्वार्टर फोर्थ में जो फ्यूचर कंज्यूमर की इस समय निकल के आई 263 करोड़ की है एंड यदि क्वार्टर थ्री की बात करें तो 451 करोड़ की क्वार्टर तीन में थी। तो यहां पे यदि सेल्स देखें तो जस्ट यहां पे हाफ हो चुकी है, आधी यहां पे सेल्स देखने को इस समय मिल रही है। उसी के साथ यदि आप डायरेक्ट इन्हीं का नेट प्रॉफिट देखें तो जो नेट प्रॉफिट तो नहीं है कुछ, नेट लॉस था। नेट लॉस इन्हें जो क्वार्टर थ्री में 46 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। इस समय यदि आप चेक करें तो 346 करोड़ का नेट लॉस हो चुका है। कंपनी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी में एंड उसी के साथ साथ जो क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी कंपनी को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता दिख रहा है। यदि आप इस समय लॉस देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 346 करोड़ के लॉसेस हो चुके हैं जो बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं है, जिस कारण से इस समय इस कंपनी का यदि EPS देखें तो अर्निंग पर शेयर 1.73 रुपये नेगेटिव में चल रहा है, जो पिछले टाइम क्वार्टर थ्री में 23 पैसे नेगेटिव पर शेयर चल रहा था। मतलब इसे लॉस है, एक शेयर पे जो लॉस इस समय चल रहा है 1.73 रुपये 1 शेयर पे लॉस इस समय चल रहा है। उसी के साथ यदि आप प्राइस भी देखें तो प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा गिरी चुका है वन ईयर के चार्ट पैटर्न में देखें तो बिल्कुल एकदम नीचे 2.20 रुपये तक पहुँच चुका है एंड इसका यदि वन ईयर का यदि हाइएस्ट देखें तो हाइएस्ट प्राइस 12 रुपये था, 12 रुपये से गिरते गिरते अभी 2.20 रुपये तक जा पहुँचा। उसी के साथ यदि लो देखें तो अपने लोएस्ट लेवल पर, अपने 52 वीक लोएस्ट लेवल पे समय चल रहा है, 52 वीक लो मतलब 1 ईयर के यहाँ पे लो लेवल पे चल रहा है। लो लेवल पे चलने के कई सारे यहाँ पे कारण है, चाहे वो कंपनी के मैनेजमेंट्स को लेके हो, चाहे फिर फ्यूचर अमेजन डील जो अटकी पड़ी है उसको लेके, NCLT में जाने के लिए यहाँ पे भी कई सारे इशूज यहाँ पे आते रहते हैं एंड उसके साथ साथ क्वार्टर फोर्थ के इतने बेकार रिजल्ट्स एंड यहाँ पे देखें तो क्वार्टर फोर्थ के बहुत ही बेकार रिजल्ट्स, 6 गुना यहाँ पे लॉसेस हो चुके हैं ज़्यादा जो क्वार्टर थ्री में इनके, मैंने आपको पहले बताया 46 करोड़ के लॉसेस थे वो अभी इस समय 346 करोड़ के लॉसेस में तब्दील हो चुके हैं। तो काफ़ी सारी नेगेटिविटी तो है ही है, साथ साथ यदि आप ROE देखें रिटर्न ऑफ इक्विटी -100% से भी ज़्यादा का रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पे पहुँच चुका है। उसके ऊपर यदि आप ROCE देखें तो ROCE 32% नेगेटिव, काफ़ी सारी नेगेटिविटी इस कंपनी में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। जितनी नेगेटिविटी है उस हिसाब से इसका प्राइस भी यहाँ पे नेगेटिव तो हो ही चुका है, 2.20 रुपये तक पहुँच चुका है। आप सभी का ये भी पूछ रहा है कि सर अब यहाँ पे क्या करें, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें? मैंने आपको पहले भी बताया एंड अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट का मैंने आपको वेट करने के लिए कहा था, बट यहाँ पे अब क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन इसे आप एक स्टेबल प्राइस पे आ जाने दीजिए। अभी इसमें गिरावट और भी हो सकती है एंड जितनी भी गिरावट होनी हो अभी और हो जाने दीजिए, देन फिर उसके बाद फिर यदि इस समय यदि प्राइस लेवल देखें तो 1.45 रुपये ये प्राइस एक अच्छा प्राइस इसको बाइंग लेवल पे हो सकता है, मतलब यहाँ से भी इसको 50% के अराउंड और टूट जाने दीजिए, देन फिर आप वहाँ से बाइक यदि ऊपर की ओर जाता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है फिर वो यहाँ पे निकल के आता है, एक रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे जरूर निकल के आता है। मैं थोड़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दूँ एंड ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है वो कितने का है, यस 2.85 रुपये का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये प्राइस इसका एक ठीक ठाक प्राइस यहाँ पे बाइंग लेवल पे हो सकता है एंड जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा दे रहा हूँ, जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 5 रुपये के ऊपर है, मतलब आप इन लेवल वो पे भी खरीद के इसमें इंजॉय कर सकते हैं। बकाया आप इसमें बिल्कुल अभी बाई मत कीजिए, यहाँ पे जो भी क्लियरेंस आनी है कंपनी के द्वारा वो आ जाने दीजिए, जैसे ही कोई भी क्लियरेंस आएगी वो मैं आपको इस चैनल पे जरूर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। उसके पहले आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आपके तक पहुँचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब होना जरूरी है, जिससे आपके पास वीडियो आ जाए एंड आप उसे देख के फिर इसमें आगे की रणनीति बना सकें। बकाया आपको वीडियो कैसी लगी वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर लें। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।